जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम के भाषण से 400 पार और मोदी की गारंटी गायब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ 369 सीटों पर अभी तक चुनाव हो चुका है। 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को चुनाव के बाद दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है, वहीं अन्य जगहों पर हाफ हो चुकी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन के साथियों को स्पष्ट और साफ जनादेश मिल जाएगा। पीएम के भाव और बोलचाल में परिवर्तन। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिले फीडबैक के अनुसार इस बार कोई लहर नहीं है, ये साफ हो चुका है। किसान, वंचित वर्गों, युवाओं में बीजेपी को लेकर नाराजगी काफी है। 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री के बोलचाल और भाव में परिवर्तन हो चुके हैं। 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं बौखलाहट के कारण प्रधानमंत्री देश में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19 अप्रैल के बाद मोदी की गारंटी गायब हो चुकी है। 27 अप्रैल को 400 पार की बात गायब हो चुकी है। मंच पर खड़े मोदी को जमीनी स्तर पर असलियत क्या है वो पता चल चुका है। देश में गरीब लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, हमारी सरकार बनने पर ये 10 किलो कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारी सरकार है, उन जगहों पर हमारी कही हुई बातों को लागू किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। पीएम से सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा सीधा सवाल है कि 3 चरण बाकी है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। 400 पार का लक्ष्य संविधान को बदलने और हटाने के लिए है। शुरुआत में ही आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था। बीजेपी मनुवादित संविधान के हितैषी हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1949 में ही आरएसएस का एजेंडा रहा है, ये संविधान का समय हो चुका है, नया संविधान आना चाहिए। प्रधानमंत्री से ये भी सवाल किया है कि जातीय जनगणना पर वो अपना स्पष्टीकरण दें कि वो इसके पक्ष में है भी या नहीं। आरक्षण में 50% की जो सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को निर्धारित किया था, क्या इस सीमा को प्रधानमंत्री हटाकर और बढ़ाएंगे। तमिलनाडु मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आरक्षण 69% है। कांग्रेस ने कहा कि हम एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाएंगे। लालू प्रसाद के बयान पर क्या बोले, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात कही थी। हम जाति के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष पर नहीं है, संविधान में जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार ही आरक्षण देना सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।